हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ में का जो एमसीक्यू डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है, लाइव करने की कोशिश की पर थोड़ा सा मेरे एंड के ऊपर इंटरनेट का इशू है, तो इसीलिए लाइव सेशन नहीं ले पाए। पर कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको अपलोडेड फॉर्म में मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एमसीक्यूज ऑन डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं। बहुत कुछ खास करंट में नहीं था, थोड़ा बहुत था, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो निकालने की कोशिश की है, तो उनको शुरू करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा जो हमेशा से रहा है। क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। आपने क्वेश्चन को समझने के बाद उसको खुद से एक बार आंसर करने की ज़रूर कोशिश करनी है, उसके बाद वीडियो में सोल्यूशन को देखना है। ओके, PDF फाइल इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जितने भी PDF फाइल्स हैं आपके, अगर आप EPFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे EPFO के फाइल्स, लॉ के, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, या जो भी सीरीज चल रही है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रा विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। सूत्रा जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? सबसे पहला, ये एक सरकार का प्लान है टू सप्लाई मेडिकल ऑक्सीजन अराउंड द कंट्री। आप देख रहे हो कि पूरे देश में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, तो सरकार ने प्लान बनाया कि किस तरह से ऑक्सीजन को देश में एफिशिएंटली सप्लाई किया जा सके। दूसरा, इट इज़ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू वैक्सीनेट 18+ पॉपुलेशन, 18 साल से जितने लोग हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन जो है वो दी जा सके अगले एक महीने में। इट इज़ अ गवर्नमेंट बैक मॉडल टू फोरकास्ट द राइज ऑफ COVID-19, कि कोविड के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं और आगे कितना उसका जो है पीक जाएगा और फिर कब वो फ्लैटन होना शुरू होएगा, तो वो सब चेक करने के लिए ये सरकार का एक मॉडल है। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर आज का रीड किया है अच्छे से, रिलीजियसली बिटवीन द लाइंस गए हो, तो इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं कवर होते हैं, और करंट अफेयर्स जो कवर करा रहे होते हैं वो बहुत कम इस तरह की न्यूज़ को उठाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। सरकार का ये एक मॉडल है जिससे COVID-19 कब पीक पर पहुँचेगा, कब एप पर पहुँचेगा, कब कर्व फ्लैटन होना शुरू होगा, वो सारी प्रेडिक्शंस इस पर्टिकुलर मॉडल से की जाती हैं। ओके, तो सी आंसर होगा। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है हिंदू में छपा था। अगर आप आज का न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, साइंटिस्ट सी फ्लॉज इन सूत्रा अप्रोच टू मॉडलिंग पेंडेमिक। ओके, अब देखो, रोज़ के 4 लाख के अराउंड केस आ रहे हैं, तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो अभी तक सरकार, जो भारत सरकार है, जो मॉडल इस्तेमाल कर रही थी जिसका नाम है सूत्रा, सूत्रा की फुल फॉर्म क्या है? सस्पेक्टेबल अंडर अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। ओके, तो बेसिकली सूत्रा के थ्रू जो सरकार है वो ट्राई करती थी कि वो देख सके कि कर्व जो है कोविड का किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे केसेस राइज हो रहे हैं, कैसे केसेस अपनी पीक पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से वो डिक्लाइन करना शुरू कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट का अब ये कहना है कि ये जो मॉडल है ये एक फ्लॉड मॉडल है, एक फेल्ड मॉडल है, और इसी की वजह से सरकार जो है वो सही तरीके से जो सेकेंड वेव है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, सेकंड प्रेडिक्ट नहीं कर पाई क्योंकि जो सूत्रा मॉडल है उसके हिसाब से तो सेकंड वेव आनी ही नहीं थी इंडिया में। इट वाज वेरी मच अनलाइकली कि सेकंड ऐसी कोई कोविड की वेव इंडिया में आएगी। ऑलराइट, और ये जो फ्लॉज हैं ये पहली बार साइंटिस्ट के अटेंशन में कब आना शुरू हो गया था? अक्टूबर में, जब इन्होंने कहा कि इंडिया तो अपनी पीक क्रॉस कर गया, अब इंडिया में कोई रिस्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूअसली इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करती रही। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि मॉडल में किस तरह से जो है केसेस डिटेक्ट किए जाते थे, क्या मॉडलिंग होती थी, वो अपने से पेपर में कोई नहीं पूछने वाला। अपने को बेसिक आइडिया हो गया कि सूत्रा क्या है, तो अगर सवाल वहां से बनेगा तो अपन इसका इजीली आंसर कर देंगे। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। Which among the following statement are correct in relation to G7 which was recently seen in news? G7 आज तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि हमारे जो दो डिग्नेटरीज थे वहाँ जो लंदन गए थे उनमें दो को भी कोरोना पॉजिटिव निकले वो वहाँ पर जाके, तो पूरे G7 में हलचल मचा दी हम हिंदुस्तानियों ने। ठीक है, तो न्यूज़ में इसी वजह से था क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स का एक सम्मिट, एक मीट चल रहा है लंदन के अंदर। ऑलराइट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है इन रिलेशन टू G7। पहला, इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। देखो, फैक्चुअल है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो अपने में से हर कोई बता देगा जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुका है, जिसको पता है कि G7 क्या है, उसको ये पता है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है। लो, मैं अभी बता देता हूँ आपको, लेकिन आपको ईयर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए।
फैक्ट्स ऐसे से पता होने चाहिए, ये सोचना बंद कर दो कि यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछता, सबसे पहली बात। दूसरा, G7 का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है, G7 का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, द डिसीजन टेकन बाय मेंबर नेशंस ड्यूरिंग द एनुअल समिट आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स। जो भी ये G7 के मेंबर्स डिसीजन लेंगे समिट के एंड में, वो सारे के सारे डिसीजंस जो हैं सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तीनों सही है, पहले दो सही है, दूसरा सही है या फिर पहला सही है, ठीक है। देखो, अगर आप G7 का ज्ञान है तभी आंसर कर सकते हैं ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखो, ठीक है। तो जिसमें भी पहला नहीं है उसको कैंसिल कर दो। G7 का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लॉज नहीं लिखे हुए, ना इनका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स है। जैसे आपकी जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका कोई ना कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है सही है। तो जिस भी स्टेटमेंट में सेकंड नहीं है उसको काट दो। अब आपको पता होना चाहिए कि थर्ड है या नहीं है आंसर, तभी आप आंसर कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट देखो बेटा गलत है, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं इनके मेंबर्स के जो एनुअल समिट में लिए जाते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते, ये बाइंडिंग नहीं होते। हर देश इंडिपेंडेंट होता है कि उनको वो डिसीजन मानने हैं या नहीं मानने हैं। तो थर्ड गलत है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ओके, चलो अब एक बार सबसे पहले न्यूज़ में क्यों था, G7 न्यूज़ में चल रहा है, तो ये आज के न्यूज़पेपर में आपको हर न्यूज़पेपर में दिखा होगा, G7 सीक्स कॉमन फ्रंट ऑन चाइना। तो ये G7 देश आपस में बात कर रहे हैं कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। उसमें अपन नहीं जाएंगे, वो अपना प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो G7 के बारे में देख लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1975 में फॉर्म हुआ। बेसिक एजेंडा जिसके लिए इसको फॉर्म किया गया था कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी को गवर्न किया जा सके। एनुअल मीटिंग में जो हेड जो होते हैं गवर्नमेंट के वो मिलते हैं हर साल, ठीक है। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिक्स हेडक्वार्टर्स नहीं है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसी भी लीडर के ऊपर बाइंडिंग या किसी भी देश के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। ऑलराइट, उसके बाद मेंबर्स की बात करें तो 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं इसके अंदर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा। याद होने चाहिए ये देश, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 के 5 मेंबर इसमें काउंट कर जाते हैं। उनसे कुछ पूछो ना कि G7 में बताओ कौन कौन है, तो वो UNSC के 5 मेंबर गिना देते हैं। अब UNSC में यूनाइटेड किंगडम है, UNSC में आपका यूनाइटेड स्टेट्स भी है, UNSC में आपका फ्रांस भी है, लेकिन UNSC में आपका रशिया और चाइना भी है जो G7 में नहीं है। तो जब 1975 में ये बॉडी बनी थी तब ये G7 ही थी। उसके बाद क्या हुआ, 1997 में क्या हुआ, G7 में एक और मेंबर को ऐड किया गया, रशिया को, और फिर उसके बाद ये 1997 में क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन फिर फाइनली 2014 में जो G8 की बाकी कंट्रीज थी, यानी कि जो G7 थे, उन्होंने डिसाइड किया कि रशिया अब इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं रहेगा, बिकॉज रशिया ने क्रिमिया को एनेक्स कर लिया था, एंड बिकॉज इन कंट्रीज का ये मानना था कि दिस एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ रशिया इज़ नॉट गुड, इसलिए उन्होंने रशिया को बाहर कर दिया। तो फिर से ये G8 से G7 बन गया 2014 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखो, किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए। और ज़्यादा आपकी जो वीडियोस हैं, एक थॉट आया मन में वो शेयर कर लेता हूँ, ज़्यादातर वीडियोस मैं आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि जो रिकॉर्डेड सेशन है वो एज़ कम्पेयर टू अ लाइव सेशन अराउंड उसमें 30-40% जो टाइम है वो कम लगता है, तो उसमें टीचर का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा है। एक सेशन को लाइव रखा है सिर्फ, वो है आपका ये वाला करंट अफेयर। इस बार अपलोडेड प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि नेट का इशू आ गया, नहीं तो लाइव ही लेते इसको भी। तो ये लाइव सेशन, और रात का 9:15 का टाइम भी इसीलिए चुना गया है ताकि आराम से अपन बैठें, डिस्कशन करें। और डिस्कशन में भी मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि एक बार आपके साथ मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लूं, ताकि जिन बच्चों को जाना है कि भाई हमने क्वेश्चंस देख लिए, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सब समझ में आ गया, हम जा रहे हैं, तो वो चले जाएं वीडियो को छोड़ के। बाकी लोग जिनको कोई डिस्कशन करनी है, कोई डाउट पूछना है, वो आपस में हम बात करते रहें, इसीलिए लाइव सेशन रखा जाता है और इसीलिए आप लोगों का उसमें जुड़ना ज़रूरी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 5 एवरी ईयर।
पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे। दूसरा, ये एक रेयर लंग डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो ब्लड कैरी करती हैं लंग्स में, वो हार्ड बन जाती हैं और नैरो बन जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोविड जो है एक, ये भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का रीज़न आगे बनता है जिसकी वजह से लंग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आंसर इस केस में क्या होगा, देखो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, वर्ल्ड पल्मोनरी डे आज 5 मई को वर्ल्ड पल्मोनरी डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है जी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पीएच इसको कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं या जो आर्टरीज ब्लड के राइट साइड में होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन मेनली होता है। ओके, और नैरोइंग, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स भी एक रीज़न होता है। एंड दिस हाइपरटेंशन कुड प्रोग्रेस टू क्रॉनिक स्टेज एज वेल, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन जो टेकिंग कैपेबिलिटी है लंग्स का वो कम हो जाता है। रेयर लंग डिसऑर्डर है इन विच द पल्मोनरी आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू द लंग्स बिकम हार्ड एंड नैरो। अब कोविड 19 की वजह से ये हो रहा है, लेकिन जनरली विदाउट कोविड वी सी इट इज अ रेयर लंग डिसऑर्डर। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हिंदू बिजनेस लाइन में इसके ऊपर आर्टिकल आया था, ठीक है, आज से कुछ दिन पहले भी, ये अप्रैल के महीने में अराउंड 15-16 दिन पहले भी न्यूज में था। तो देख लेते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे बोथ इन आईएएस एंड एज वेल एज इन योर ईपीएफओ एग्जाम। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीसैप दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जीसैप से रिलेटेड जो अभी न्यूज में था। पहला, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है जिसको आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, इस प्रोग्राम में आरबीआई ने अनाउंस किया है द परचेज ऑफ जीसेक्स वर्थ ₹1,00,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो आरबीआई ने इस प्रोग्राम के अंडर बोला है कि अगले एक साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, हम ₹1,00,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनको परचेज करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगा। सीधा सा सवाल है, चलिए आंसर देखें क्या होगा। आंसर होगा इसका, देखो सी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है। अभी डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम क्या होता है। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी का कंसेप्ट है। और इस साल में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर जिसको आरबीआई कह रहा है जीसेप 1.0, पूरे साल में सर जो आरबीआई है वो अराउंड 1,00,000 करोड़ की मार्केट में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा। ओके, चलो तो जीसेप को समझने की कोशिश करते हैं। जीसेप को अनाउंस किया था आरबीआई ने अपनी बाई मंथली पॉलिसी में जो अनाउंस की थी, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है, ये एक तरह का ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। होता क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल लोन लिया मार्केट से, और वो लोन गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करके लिया, जनता के पास सरकार गई कि हम तुम्हें बॉन्ड देंगे। बॉन्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला कि तुम हमें ₹200 दो या हमें ₹100 दो, हम इस ₹100 पे तुम्हें 5% या 7% जो भी है इंटरेस्ट देंगे। तो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सरकार को एज अ लोन दे देते हैं, जिस पे सरकार उन्हें ब्याज देती है, और जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बॉन्ड 5 साल का है, 10 साल का, सरकार पैसा वापस कर देगी। और इनको आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो। आरबीआई इसको कब परचेज करती है, जब सरकार का डेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सरकार का डेट इतना ज़्यादा हो गया कि जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका खर्चा सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा, अगर मार्केट में ग्रोथ नहीं है, मार्केट में ग्रोथ नहीं है, समझ रहे हो, मार्केट में मंदी छाई हुई है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हो रही बिल्कुल भी, तो उस केस में क्या करेगा आरबीआई, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करना शुरू कर देता है। लोगों को कहता है, लोगों को अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर करेगा, लोगों को कहेगा लाओ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे बेच दो। उससे क्या होगा, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली और आरबीआई ने उसकी जगह क्या डाला मार्केट में, पैसा। अब लोगों के हाथ में पैसा आ गया तो वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले लोगों के हाथ में पैसा नहीं था तो वो इन्वेस्ट कहाँ करते। अब क्योंकि आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीद ली और उसकी जगह, उससे क्या हुआ, इकोनॉमी में मनी पंपिंग हो गई,
पैसा चला गया इकोनॉमी के अंदर, समझ रहे हो, तो जब पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, वॉलिटिलिटी भी इससे बॉन्ड मार्केट में कम होती है। वो कैसे कम होती है, अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इनको सबसे सिक्योर जो है इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि सरकार तो नहीं डूबेगी ना, अगर सरकार पैसा लेके भाग गई तो समझ लो देश का तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों का ये मानना है कि सरकार पैसा लेके नहीं भागेगी। अब अल्टीमेटली क्या होता है, हर कोई चाहता है कि वो सरकारी बॉन्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करे। उससे क्या होता है, क्योंकि सरकारी बॉन्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और लोगों ने पैसा भी डाल दिया, लेकिन सरकार को तो कंटिन्यूअसली पैसा चाहिए। अब सरकार अगली बार जब लेने जाएगी लोन, तो लोग कहेंगे कि यार हमने तो पहले ही बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अब हम और पैसा कहाँ से लाएं। तो सरकार कहेगी पहले मैं तुम्हें 6% इंटरेस्ट दे रहा था, तो अब मैं तुम्हें 9% इंटरेस्ट दूंगा क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा कम है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए, तो जो प्राइवेट बॉन्ड भी निकाल रहे हैं, जो कंपनियां भी बॉन्ड निकाल रही हैं, उनको भी अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बॉन्ड रेट बढ़ गया और सरकार को अब लोन भी महंगा पड़ना शुरू हो गया। पहले वो 6% पे लोन ले रहे थे, अब वो 9% पे लोन ले रहे हैं। तो इसी वजह से भी आरबीआई क्या करती है, वो परचेज करना शुरू कर देती है सिक्योरिटीज को। ठीक है, ये बहुत सारे कारण हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा आर्टिकल था जिसके ऊपर ये हम बात कर रहे हैं। तो ओएमओ में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक पैसा छापती है, अपने को पता है सेंट्रल बैंक मनी प्रिंट करती है, तो सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, पैसा छापना है और सिक्योरिटीज परचेज कर लेनी है सेकेंडरी मार्केट में से, जो भी इंटरेस्टेड होंगे बेचने के लिए। लेकिन ओएमओ का एक ड्रॉबैक होता है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई नॉर्मली पहले फॉलो करती थी जीसैप से पहले, उसमें क्या होता था, इन्वेस्टर को पता नहीं होता था कि आरबीआई कब इसको परचेज करेगा। आरबीआई ऐसे कोई टाइमलाइन नहीं बताती थी कि यार मैं इस दिन पे परचेज करने आऊंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो तो एक हफ्ता पहले बता देते थे अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन को कंसिडर करके, वो एक हफ्ता पहले बता देते थे कि यार हम अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमको बेच दें। ठीक है, तो पूरा प्लान नहीं होता था कि पूरे साल में हम इस दिन परचेज करेंगे। लेकिन ये जो जीसेप है ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन ही खरीदनी, इन्होंने इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही है जनता से। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आरबीआई जो है पूरे साल का एक इनको कैलेंडर बना करके दे देगी कि यार हम पूरे साल में इतने की परचेजिंग करेंगे। जैसे इस साल आरबीआई ने क्या बोल दिया कि जो कैलेंडर ईयर 2021-22 होगा इसके अंदर हम 1,00,000 करोड़ रुपए की, 1,00,000 करोड़ रुपीज की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको परचेज करेंगे। ठीक है, और पीरियोडिकली उन्होंने पीरियड भी बता दिया कि इस तरह से हम परचेज करेंगे। जैसे जो फर्स्ट क्वार्टर है, अब आरबीआई ने क्या कहा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, इस फर्स्ट क्वार्टर में हम 25,000 करोड़ रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनको एक आइडिया लग गया कि हाँ यार इस साल इतने की सिक्योरिटीज परचेज की जाएंगी और ये सारा प्रॉपर प्लान है। तो इन्वेस्टर के पास एक प्रॉपर शेड्यूल है जिससे अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है मार्केट में, किसी भी मार्केट में, चाहे वो कोई शेयर मार्केट है, चाहे वो ओपन ऑपरेशंस की मार्केट है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट है, किसी भी मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी है तो वो वॉलेटाइल है। अगर जितनी आप अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर दोगे उस मार्केट में, उतनी उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, अब होता क्या है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इससे सरकार को बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, सरकार को किस तरह से फायदा हो रहा है, ये जो यूपीएससी सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, यूपीएससी सिविल वाले, स्टेट सर्विसेज वाले जिन्होंने आंसर लिखना है, या फिर इंटरव्यू में भी बड़ा काम आएगा इस तरह का सवाल। अब सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, सरकार का जो कर्जा होता है उसको मैनेज करता है। ठीक है, चाहे वो पैसा उधार लेना है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन से सिक्योरिटी इसको खरीदना है, जो भी चीजें करनी है वो सेंट्रल बैंक करता है। और सेंट्रल बैंक की ये कोशिश रहती है कि जो कर्जा बैंक कर्जा सरकार के लिए वो ले रहा है वो सबसे कम कॉस्ट पे पड़े सरकार को। ठीक है, सबसे कम ब्याज जो है सरकार को देना पड़े, कम से कम। और सरकार की हिंदुस्तान में बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, सरकार को खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने हैं, सरकार को स्कीम्स फाइनेंस करनी है। तो अगर आप देखो 2020-21 में सरकार ने अराउंड 12.8 लाख करोड़ जो है वो बोरो किया था। ठीक है, और सरकार प्लान में है कि वो 12.05 लाख करोड़ रुपये 2021-22 में बोरो करेगी। अपने लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सेसिव बोरोइंग हो रही है, मैंने आपको बताया ना एक्सेसिव बोरोइंग हो रही है, इसकी वजह से डिमांड फॉर मनी बढ़ गई मार्केट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 इन्वेस्टर थे पहले जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते थे, अब इन 10 इन्वेस्टरों ने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, अब सरकार को और पैसा चाहिए, सरकार फिर मार्केट में जाती है कि यार हमको पैसा चाहिए, लेकिन ये लोग कहेंगे यार हमने तो अपना ऑलरेडी पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया।
हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सरकार को ऑफर करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर पहले सरकार 6 पे दे रही थी, अब 8 पे लेना पड़ेगा उसको कर्जा, तो सरकार का कर्जा जो है वो महंगा हो गया, सरकार का कर्जा महंगा हो गया, और इससे प्राइवेट सेक्टर का भी कर्जा महंगा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में आरबीआई बन के आता है पालनहार। क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या करना है, आरबीआई करेंसी प्रिंट करेगा, और करेंसी प्रिंट करके जो है सिक्योरिटी खरीद लेगा। सिक्योरिटी खरीद ली तो इससे क्या हुआ, जिस मनी की डिमांड मार्केट में पहले ज्यादा थी, अब उसकी कम हो गई। पहले तो इन 10 इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं था, तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा ना सरकार को। अब आरबीआई ने क्या किया, इन 10 इन्वेस्टरों से इनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो इनके पास फिर से पैसा आ गया। तो सरकार जब दोबारा पैसा मांगने जाएगी तो इनके पास पैसा होएगा टू इन्वेस्ट, समझ रहे हो, एक सर्कल है। आरबीआई ने तो पैसा छाप के खरीद लिया, उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट मैनेज हो गया। पहले 6% में ले रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब फिर से 6 में मिल जाएगा उसको, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इससे एडवांटेज टू द गवर्नमेंट होती है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, शायद आप अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे या इंटरनेट पे इतने सारे आर्टिकल्स या वेबसाइट्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाओगे, इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझाएंगे वो। अपने लिए जरूरी होता है सिंपल लैंग्वेज में समझना। और अब मैं बेट करता हूं आपने मेरी अगर ये स्पीच सुन ली है सिंपल लैंग्वेज में, अब आप इसको पढ़ो, हिंदू बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल अगर आप पढ़ो, आपको एक एक शब्द समझ आएगा, इसका एक शब्द आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये भी न्यूज में था, न्यूज़पेपर में था ये आज। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिनका प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है या उसमें 8 अपार्टमेंट बने हुए हैं, उनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ, स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी 500 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट बना रहे हैं या 8 अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 70% ऑफ द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स, जितना भी पैसा आप बायर से कलेक्ट करते हो उसका 70% आपको एक सेपरेट एस्क्रो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और इस पैसे को सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। फॉर एग्जांपल, आपने अगर बायर से 1 करोड़ रुपया लिया तो इस 1 करोड़ का 70 लाख रुपए डेफिनेटली आपको इस अकाउंट में स्टोर करना पड़ेगा, और इस 70 लाख रुपए को सिर्फ आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हो और किसी भी काम के लिए नहीं यूज कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इफ द बिल्डर इज नॉट एबल टू डिलीवर द फ्लैट ऑन टाइम, अगर बिल्डर फ्लैट टाइम पर नहीं डिलीवर करता तो उसको जो परचेजर है उसको रिफंड, वो परचेजर उससे रिफंड डिमांड कर सकता है, और रिफंड के साथ साथ उसको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आपसे पूछा गया है? पहला करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, थर्ड ओनली करेक्ट है, या फिर सेकेंड एंड थर्ड ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सीधा सा सवाल पूछ लिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया जो न्यूज़पेपर्स में था आज, उन्होंने वेस्ट बंगाल का रियल एस्टेट लॉ जो है उसको खर्च कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट में है जो सेंट्रल रेरा एक्ट है जो सरकार 2016 में लेकर के आई थी, इसी वजह से वेस्ट बंगाल का रियल एस्टेट लॉ उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। इतना ज़्यादा न्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को काम नहीं आएगा। मेन अपना यही है कि रेरा में क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ओके, तो 2016 में पास हुआ था, 1 मई 2017 को ये जो है फंक्शनिंग में आया। ओके, तो प्रोविजंस क्या है, की प्रोविजंस, सबसे पहले बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बनानी होंगी, स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी ये, एक या एक से ज़्यादा। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी, इनका काम क्या होएगा कि ये जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर करेगी और उनका एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेज करेगी, और ये सारा डाटा एक वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। प्रमोटर्स का, बायर्स का, रियल एस्टेट एजेंट्स का, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल एंड अर्बन हाउसिंग के, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काम करना है, और सरकार को एडवाइस करनी है अगर कोई रेगुलेशन से रिलेटेड या कॉम्प्लायंस से रिलेटेड इशू है तो उस केस में ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एडवाइस करेगी। उसके अलावा रियल एस्टेट एक अपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, अगर रियल एस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके किसी डिसीजन से जो पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपनी अपील लेकर के जा सकती है। जो भी प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर से या जो प्रोजेक्ट्स, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 8 अपार्टमेंट बना रहे हैं उनको डेफिनेटली रजिस्टर करना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। यानी कि अगर कोई 200 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी बना रहा है
तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। 70% फंड जो बायर से पैसा लिया जाएगा उसको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा और उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकेगा। डेवलपर को स्ट्रक्चरल रिपेयर की गारंटी देनी पड़ेगी 5 साल की, स्ट्रक्चरल रिपेयर की 5 साल की गारंटी उसको देनी पड़ेगी। इन 5 साल में कोई भी इशू आता है तो बायर जो है सीधा इसके पास जाएगा जो सेलर था और कहेगा कि भाई ये मेरा नलका खराब हो गया, इसको ठीक करके दे। मजाक कर रहा हूँ, रिपेयर का मतलब वो क्लॉजेज होंगे उसमें प्रॉपर वो होंगे, हमें उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, बोथ प्रमोटर एंड बायर आर लाइबल टू पे एन इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है यानी कि टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाए हैं घर की, तो उस केस में उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो प्रमोटर है, अगर जैसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो प्रमोटर्स रखती हैं ना, तो अगर प्रमोटर है, या प्रमोटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं L&T हूँ, ठीक है, मैं L&T हूँ, मैं एक कंपनी हूँ जो मैं सोसाइटीज़ बनाता हूँ। एक मैंने सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी में 1000 फ्लैट है, ठीक है। अब प्रमोटर क्या होता है, मेरे पास एक प्रमोटर आया, प्रमोटर क्या करेगा, मेरे से एक साथ 200 फ्लैट खरीद ले लेगा, मेरे को कहेगा कि ये 200 फ्लैट की गारंटी मेरी है, या तो ये सारे फ्लैट मैं बेचूंगा नहीं तो मैं खुद खरीदूंगा, मतलब रिस्क ले लेगा वो 200 फ्लैट्स का। वो L&T को क्या कह देगा, ये 200 फ्लैट्स आप मेरे नाम लिख दो, अगर नहीं बिके तो सारे के सारे फ्लैट्स मैं परचेज करूंगा। तो ये प्रमोटर होता है, इसको हम प्रमोटर बोलते हैं। शेयर मार्केट में भी होता है इसी तरह से प्रमोटर, ठीक है। तो ये रिस्क ले लेते हैं, समझ रहे हो। या प्रमोटर्स को कई जगहों पर डिफाइन किया जा सकता है, हु हैव द शेयर होल्डिंग ऑल्सो, ठीक है। प्रमोटर को लॉ में, डिफरेंट लॉज में, जैसे शेयर मार्केट में जब हम प्रमोटर की बात करते हैं तो उनको अंडरराइटर भी लिखा जाता है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर सिखाई बताई आपको। अंडरराइटर भी ये तरह का काम करते हैं और प्रमोटर भी करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ प्रमोटर जो होते हैं वो शेयर होल्डर भी होते हैं, यानी कि L&T में 70% शेयर होल्डिंग जिसकी है वो उस कंपनी का प्रमोटर है, समझ रहे हो। तो प्रमोटर और बायर दोनों लाइबल होंगे पे करने के इंटरेस्ट के, अगर डिफॉल्ट करते हैं। बायर भी लाइबल होएगा, बायर किस तरह से लाइबल हो गया, अगर उसने टाइमली पेमेंट नहीं की, ठीक है ना। चलिए, ओके। कैप ऑन एडवांस पेमेंट, प्रमोटर सिर्फ 10% ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेमेंट मांग सकता है एज एडवांस, जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट है उसका 10% वो मांग सकता है, ओके। उसके अलावा कारपेट एरिया भी डिफाइंड है, तो कारपेट एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है, एज नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ फ्लैट, बायर्स विल बी चार्ज फॉर द कारपेट एरिया एंड नॉट सुपर बिल्ट अप एरिया। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसमें अभी नहीं जाएंगे हम। पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years फॉर डेवलपर्स एंड अप टू 1 year इन केस ऑफ एजेंट्स एंड बायर्स। अगर कोई भी वायोलेशन होती है एपेलेट ट्रिब्यूनल के या रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑर्डर्स की, तो उस केस में ये पनिशमेंट्स भी जो है दी जा सकती हैं, ओके। ये सारे के सारे प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रीफ आइडिया रखोगे तो क्वेश्चन आराम से इनका निकाल लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये लेक्चर दोस्तों ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। PDF का लिंक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो 9:15 बजे लाइव क्लास होती है उसमें जुड़िए और अपने डाउट्स जो हैं साथ के साथ पूछो और साथ के साथ उनको निपटा दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।